नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आग लगने से फसल जलकर राख, 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, प्रशासन से मुआवजे की मांग। विकासखंड ताखा जनपद इटावा के कस्बा उसराहाट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला गंगे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। 6 बीघा में फसल खड़ी थी, आग पर जब तक काबू पाते तब तक 3 बीघा फसल जलकर राख हो चुकी थी। पहला शाख के नगला गंगे के निवासी हैं, जिनके खेत में 3 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए। पहला का कहना है, मेरे खेत में 11,000 लाइन पर पक्षी बैठा था, आपस में तार मिल जाने से उसके जरिए एक चिंगारी गिरी और गेहूं में आग लग गई। गांव के लोगों की मदद से पीली सरसों के डंडों से आग को काबू पाया गया, लेकिन तब तक 3 बीघा गेहूं में आग लगकर राख हो गई। मौके पर पहुंची लेखपाल अरुण यादव ने नुकसान का आकलन किया। उसराहाट से गौरव शाकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पहला। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये कैसे हुआ, आग कैसे लगी? बिजली से। अच्छा, कितने बीघे गेहूँ थे आपके यहाँ पे? 6 बीघे। अच्छा, पुलिस प्रशासन को खबर की आपने? खबर तो आगे, आग कैसे काबू पाई? आग कैसे बुझी? आग कैसे आग, झाड़ू से मार बुझाई, पानी डाला, झाड़ू मारा। लेखपाल साहब से खबर की आपने? लेखपाल से आ चुके हैं। आ चुके? अच्छा ठीक।